हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, अगर आपको कोई भी वॉल आप बना रहे हैं उसका कितना कॉस्ट होगा, जो प्रोबेबल कॉस्ट होगा जिसको आपको नहीं पता है। अगर आप कोई भी वॉल बना रहे हैं तो उसमें कितना आपका खर्चा लगने वाला है, जो भी आपका मटेरियल उसमें यूज होगा और जो भी लेबर चार्ज है, तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार का वॉल बना रहे हैं और उसमें आपका कितना प्राइस लगेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको उस वॉल का वॉल्यूम निकालना आपको आना चाहिए। जब आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा तो आपको प्राइस निकालने में आसानी होगी। तो दो चीजें हमेशा वॉल बनाते समय आपको पता लग जाती है, उसका लेंथ और हाइट आपको दिया जाता है, और जो आप उसका बेस होता है। बेस निकालने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू कैलकुलेट बेस ऑफ ब्रेस्ट वॉल, जो भी किसी भी प्रकार का जो आपका वॉल है तो उसका वहां पे मैंने बेस निकालना आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो वहां से आपको विड्थ मिल जाता है। तो आपको हाइट, लेंथ और विड्थ मिल गया, तो इससे आपका वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद आपको, क्योंकि जो पेमेंट मिलती है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से मिलती है, कि आपको एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से इतना रेट मिल रहा है, तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका टोटल प्राइस निकल जाता है। मैं एज ए साइट इंजीनियर NH में जहां पर भी काम कर रहा हूँ उसका एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी समझने में कि किसी भी वॉल का प्राइस कैसे निकाल सकते हैं आप। क्योंकि NH के काम में आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्रेन का हो गया, ब्रिज का वर्क होता है, वहां पे वॉल बननी होती है, कलवर्ट वगैरह बहुत सारे काम है। तो कंपनी, इसीलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी के पास होते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीजों को नहीं देख सकता है, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग काम के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पे केवल हम वॉल की बात करेंगे, तो इस कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर जितने भी काम कर रहे हैं और कंपनी इनको एक मीटर क्यूब पे 1700 रुपए पे कर रही है, इसमें कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको स्टोन और डस्ट जो रेत है वो प्रोवाइड कर रही है, और कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे सीमेंट और जो लेबर है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि एक मीटर क्यूब पे कंपनी इनको 1700 रुपए दे रही है। अगर कोई वॉल अगर 100 मीटर क्यूब की है, 100 मीटर क्यूब की अगर कोई वॉल है, तो उस वॉल की टोटल कॉस्ट कितनी निकल जाएगी, तो आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1700 रुपए से, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी पूरे वॉल की। अगर कॉन्ट्रैक्टर का सारी चीजें, जो स्टोन, डस्ट, लेबर और सीमेंट, अगर पूरा जो भी मटेरियल है वो अगर कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, तो आपको प्राइस बढ़ के मिल सकता है। तो जो 1700 रुपए उसकी जगह आपको हो सकता है 3000 रुपए या 3500 रुपए यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें NH में, PMJSY में, और जो आपका जो भी प्राइवेट अपना वर्क है, ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेमेंट आपको मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।